चिंता रखती है और समय से आगे निकलती है, और उसमें जो जनुसंधान की भूमिका है वह निहाज सराहनीय है। आप उसमें पढ़िएगा, बहुत सारे देख लीजिए और आप देखिएगा अभी की जो पत्रिका है, एक तो नाम है संधान, उस पर जोड़ के देखिए। संधान निशाना बांधने को करते हैं, जब निशाने लगाते हैं, अब कितना सोच के नाम रखा है, और निशाना किस चीज से सीधे जुड़ता है, तीर से। आखिर तीर साधा कब जाता है, तीर साधा कब जाता है, जब आप सामने निशाना रख लीजिए तभी ना तीर साधिएगा। तो हम लोगों के पास तो तीर है, और अगर तीर चलाना है तो संधान बनाने की कला भी आनी चाहिए, तभी तीर आपका निशाने पे है। और उसी लिए ये पत्रिका है। और ये भी जान कि आज का जो विशेषांक है, जिसका आज विमोचन हुआ है, उसका भी अलग से नाम रखा गया है, देख लीजिएगा पत्रिका, उसका नाम है एकाग्र। अपने नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर एकाग्र, क्योंकि एकाग्रता जो होती है वह भी तीर संधान दोनों से जुड़ी हुई चीज ही एकाग्रता होती है। क्योंकि जब आप एकाग्र नहीं होइएगा तब तक आप संधान बना ही नहीं सकते हैं, और आपका तीर निशाने पर पहुंच ही नहीं सकता है। इसलिए तो इसका नाम उन्होंने एकाग्र रखा है। और भाई जब इतना अच्छा काम ये कर रहे हैं, तो हम पार्टी के तरफ से, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, इतने जो सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित होते रहते हैं अनेक कार्यक्रमों में, हम उन सबों की तरफ से इन दोनों को इस सब प्रयास के लिए हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। साथ ही अभी हम सुन रहे थे हमारे प्रधान जी डॉक्टर साहब रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियां सुना रहे थे, यदि तो डाक कोई सुने ना आसे तबे एकला चलो, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं डॉक्टर रविन्द्रनाथ ठाकुर जी टैगोर जी, विश्व प्रसिद्ध है। और उसका बंगला तो हमारे ख्याल से बंगला हिंदी में बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं, जो उन्होंने सुनाया या उनके पंक्तियों को मैं जो सीधे उद्धृत कर रहा हूं, हम नहीं समझते हैं कि इनको समझने में दिक्कत होती हो। उनके डाक को सुनने वालों की हम लोगों के, आप लोगों के नाते कोई कमी है क्या? यहाँ तो हमारे नेता के डाक पर तो हजारों लाखों लोग कार्यकर्ता, हम लोग आप लोग जैसे सब लोग सीधे तीर हाथ में लेके एकाग्र होके और संधान बांधते दौड़ चलते हैं। ये तो जदयू कार्यकर्ताओं की पहचान है, और कार्यकर्ताओं के बल पर ही तो पार्टी चलती है। और एक चीज और हम कह देते हैं, ज्यादा समय लेंगे नहीं, सब लोग को जाना है, कि हमको भी पिछले 50 साल से राजनीति को मैं बड़े नजदीक से देख रहा हूं। 40 वर्ष हो गए जब मैं पहली बार विधायक बना था 1982 में, और बांग्लादेश युद्ध के बाद से 1972 में जब इस प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए, उस वक्त मेरे पिताजी स्वर्गीय जगदीश प्रसाद चौधरी जी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उस समय हम लोगों का परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था और मैंने उस चुनाव में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। मतलब कि उस समय से राजनीति की एक एक चीज हमारे स्मृति पटल पर बड़े ही स्पष्ट रूप से अंकित, और जो पुराने लोग हैं, दादाजी से लोग हैं, उनको
याद होगा कि 1972 में केदार पांडे जी मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री को मनोनीत करने की प्रथा उसी वक्त से चली, जब 71 में बांग्लादेश युद्ध के बाद, जब 72 में बांग्लादेश के युद्ध के बाद लोकसभा के आम चुनाव हुए थे और उसके बाद 9-10 प्रदेशों में 1972 में विधानसभा के चुनाव हुए और सभी प्रदेशों में कांग्रेस की बड़ी जबरदस्त पार्टी। पहले तो कांग्रेस विधायक दल का विधिवत नेता में पर्ची डाल के चुनाव होता था, वोट गिरा नेता चुने जाते। पहली बार हुआ कि आला कमान को ऑथराइज करने, अधिकृत करने की परंपरा की शुरुआत की। तो ये चीजें मैंने सिर्फ इसलिए कही कि उस समय से मुझे याद है, मतलब केदार पांडे जी के बाद से श्री बाबू या विनोदा झा या के पी सहाय जी के काल को हमने न देखा न कोई मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन केदार पांडे जी के समय से हर मुख्यमंत्री के काम को एक राजनीतिक परिवार से आने के नाते मैंने नजदीक से देखा और समझा, और यह हमारे लिए और आप सबके लिए फख्र की बात होगी कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जो हमने अपने सलाहियत और अपने बुद्धि से जो काम करने का तरीका, जो बिहार के लोगों को आगे बढ़ाने का जज्बा, या जो ईमानदारी या जो लगनशीलता, जो हमने अपने नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में देखा, वो पिछले किसी मुख्यमंत्री में हमने नहीं देखा था। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कर सकता, इसलिए। और अगर आप सोचिए कि हमारे पास ऐसे नेता मौजूद हैं, तो जदयू के कार्यकर्ता को कहीं भी सिर झुका के चलने की जरूरत है क्या? आज बताइए, कोई कोई दल का नेता आ जाए, कोई दल का कार्यकर्ता आ जाए, कभी तुलना हमारे नेता से? तो आखिर कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, कार्यकर्ताओं का हौसला ऊंचा रखने के लिए, अपने नेतृत्व के चेहरा और कृतित्व से और अधिक किस चीज की आवश्यकता होती है, बताइए। और हम सबके लिए सोचने की बात है और देखने की बात है कि जब ऐसे ऐसे दल के जिनके नेता पता नहीं क्या काम करके, क्या करके, कहां कहां वर्षों से पड़े रहते हैं, जब उस दल के कार्यकर्ता भी सड़क पर निकल के टहलते हैं, तो भाई जदयू के कार्यकर्ता की तो वो स्थिति है कि वो अपना सीना गर्व से इतना ऊंचा करके चले जितना किसी दल के कार्यकर्ता के लिए हो। ये हमारे जदयू के कार्यकर्ताओं की स्थिति होनी चाहिए। ये तो सोचने की बात है कि हम लोग आखिर बिहार के भले के लिए न राजनीति सियासत करते हैं, और एक नेता, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा नहीं तो फिर पकड़ लूंगा तो फिर आ जाएगा, इसलिए मैं अब अंश में फिर से अपने नेता को जन्मदिन की तथाकथित जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए आयोजकों के प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ, इनको बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ, और आभार भी इसलिए प्रकट करता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर